क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। बाबर आजम कप्तान, शादाब खान नायब कप्तान बरकरार रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी, उसामा मी टीम में शामिल कर लिए गए हैं। मोहम्मद हारिस, जमान और इब्रार अहमद रिजर्व खिलाड़ियों में शामिल हैं। अब्दुल्ला शफीक, फखर जमान, इमामुल हक, मोहम्मद नवाज टीम में मौजूद हैं। हसन अली की वर्ल्ड कप स्क्वाड में वापसी हुई है। सऊद शकील, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद रिजवान, हारिस रऊफ टीम में शामिल कर लिए गए हैं। सलमान आगा, वसीम जूनियर भी स्क्वाड का हिस्सा है। शाहीन शाह अफरीदी, उसामा मी टीम में शामिल कर लिए गए हैं। आप गवाह कर रहे हैं कि स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। इसी पर बात करने के लिए मुश्ताक अहमद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया सबसे पहले मुश्ताक साहब समा को वक्त देने के लिए। आप मुश्ताक साहब, बहुत ज़्यादा नज़रें हैं एशिया कप के बाद, अब वर्ल्ड कप में टीम कैसी परफॉर्मेंस देगी, इस हवाले से सिलेक्शन टीम पर भी काफ़ी नज़रें थी, टीम पर भी काफ़ी नज़रें हैं कि परफॉर्मेंस कैसी होगी, क्या कमेंट करेंगे सबसे पहले इस कॉम्बिनेशन के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई थिंक बहुत अच्छा डिसीजन लिया है इंजमाम ने। उसकी वजह पता क्या है कि इस वक्त छेड़ने टीम को छेड़ने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मार्क्स हैं स्पिनर्स के ऊपर, हैं मिडिल ऑर्डर्स में हैं, मगर उन्होंने ये जो कंसिस्टेंसी रखी है, इस कंसिस्टेंसी के ऊपर आई थिंक लोगों में भी कॉन्फिडेंस आएगा, टीम में भी कॉन्फिडेंस आएगा। और यही एक मौका है जिसके ऊपर हमें बीइंग पाकिस्तानी ऑप्टिमिस्टिक होने के नाते आई थिंक बहुत अच्छा डिसीजन लिया है कि ज्यादा चेंज नहीं की, तो क्योंकि हर बंदे की रिप्लेसमेंट भी है, उसामा मीर भी है, अगर शदाब बस दो तीन मैचों में नहीं होता तो वहां पे अब्दुल्ला शफीक भी है जिसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की है, अगर फखर जमान के ऊपर क्वेश्चन मार्क है, तो आई थिंक रिजर्व खिलाड़ियों में उन्होंने अच्छी बैकअप किया है और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ये लड़के इंशाल्लाह पाकिस्तान में अच्छा खेलेंगे जाके वर्ल्ड कप में इंशाल्लाह। मुश्ताक साहब, आपकी मौजूदगी में ये भी जानना चाहेंगे कि हसन अली की वापसी को आप कैसे देखते हैं, उनकी सिलेक्शन को कैसे देखते हैं, क्योंकि ये सवाल इनसे भी किया गया था जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो कहा गया था नए बॉल पर बहुत बेहतर बॉलिंग करना चाहते हैं हसन अली, आपसे एक्सपर्टीज क्या है आपकी? मेरी एक्सपर्टीज ये कहती है कि एक तो बड़ा जो टूर्नामेंट होता है उसमें आपको एक्सपीरियंस बॉलर की जरूरत भी पड़ती है, और हसन अली के पास बड़ा एक्सपीरियंस है, उसने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो जितवाई थी और उसमें वो बेस्ट प्लेयर हुए थे। ऐसे बड़े टूर्नामेंट में, आईसीसी के टूर्नामेंट में जहां पे कंडीशन रिवर्स स्विंग भी हो, वहां पे ये हसन अली बहुत इफेक्टिव हो सकते हैं, क्योंकि इनकी ऑफ द पिच ये तेज बॉलर है और नया बॉल भी दो तीन ओवर कर लेते हैं और मिडिल में भी आके जो सेमी न्यू बॉल है वो भी कर सकते हैं, तो ये टेक्निकली एंड में भी बहुत अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं। और साथ इसकी अच्छी बात ये है कि ही इज अ गुड टीम मैन, उसको अपनी टीम को उठा के रखता है और जब भी टीम गिरी होती है तो ड्रेस रूम में इज द बबली कैरेक्टर, तो इससे एक बहुत फर्क पड़ता है बड़े टूर्नामेंट में जाके, ऐसा प्लेयर जो अगर खेले या ना खेले मगर वो टीम के अंदर पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करता है, तो काफी एंगल्स हसन अली क्लियर कर देता, कवर करता है क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जो ड्रेस रूम के माहौल को भी तगड़ा करने के लिए। ठीक, मुश्ताक साहब गुजारिश ये है कि साथ ही मौजूद रहेगा सवेरा पाशा, एंकर पर्सन भी हमें ज्वाइन कर चुकी है, उनका क्या एनालिसिस है वो भी हासिल कर लेते हैं। सवेरा, 15 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया, इस कॉम्बिनेशन को कैसे देखती हैं आप? कॉम्बिनेशन तो देखें, ये वही उसी तरह का कॉम्बिनेशन है जिसकी हम बात कर रहे थे जो एशिया कप में खेला। फोर्थ चेंज था हसन अली, यस हसन अली इस फोर्थ चेंज पे आ गए नसीम शाह की जगह, रिजर्व में मोहम्मद हारिस चले गए, सऊद ऊपर आ गए, तो ये तो वही स्क्वाड है जो एशिया कप की हम बात कर रहे हैं कि एशिया कप में स्क्वाड था, मगर क्या हमने अपने मिडिल ऑर्डर के मिडिल ओवर्स में जो है वो कोई तब्दीली की जो हमारे लूप होल्स थे? इतनी उसके ऊपर जी कॉन्फ्रेंसेस बैठी, एशिया कप का रिव्यू हुआ और इतना टाइम लगा, इतने अफवाहें उड़ी, इतनी इनसाइडर्स निकली, मगर उन सारी चीजों के बाद इवेंचुअली ये वही टीम है जो कि संडे को बाबर आजम और इंजमाम उल हक चीफ सेलेक्टर ऑफ पाकिस्तान इन दोनों ने मिलकर बनाई। तो इतना डिले करना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, इसकी जरूरत क्या थी जब स्क्वाड यही आना था सामने? तो ठीक मुश्ताक साहब, इस हवाले से जोर का जोर प्रोग्राम में भी बड़ी आप लोग गुफ्तगू करते रहे हैं, आज भी बड़ा फ्रीक्वेंटली, आप किस तरह से टेम्परेचर ने, किस तरह से वेदर कंडीशंस ने खिलाड़ियों पर अफेक्ट किया कि इंजरीज इतनी सामने आती रही हैं, उस हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा गुफ्तगू करने की कोशिश की गई, क्या कमेंट करेंगे मुश्ताक साहब? आप समझते हैं कि एक ज़्यादा प्रेशर था, ये वेदर कंडीशंस वाकई थी जिसके नतीजतन खिलाड़ियों को इतनी इंजरीज का शिकार होना पड़ा? देखिए, इंजमाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, इंजमाम ने बड़ी अच्छी बात की है, पहले वो टेस्ट मैचेस खेलते रहे वहां पे और उसके बाद फिर आपकी वो जो तीन वन डेज हुए हैं वो खेलते रहे जो अफगानिस्तान के साथ हुए, फिर एलपीएल लीग जो है वो पूरी लीग उसमें महीना सा खेले, और वहां की गर्मी इतनी ज्यादा होती है वो आपको काफी डिहाइड्रेट कर देती है,
और डिहाइड्रेशन से आपकी जो मसल होते हैं वो सकड़ जाते हैं, उसकी वजह से आपके मसल इंजरी स्पेशली फास्ट बॉलरों को बहुत ज्यादा होती है। आपने देखा होगा नॉट ओनली पाकिस्तानी, काफी दूसरी टीमों के लड़कों को भी क्रैम्प्स पड़ते थे। अंडर प्रेशर जब आपका पानी कम होता है तो आपको क्रैम्प्स पड़ने के चांसेस होते हैं और क्रैम्प्स फिर वो इंजरी में बदल जाते हैं। तो आई थिंक वो जो जी ने बात की थी कि जी दो चार चार महीने से उधर, तीन महीने से उधर है टीम के लड़के सारे, तो उसके ऊपर इनको देखना चाहिए था कि हमें कौन से लड़कों को पुल आउट करना चाहिए था, कौन से लड़के आईपीएल खेलने चाहिए थे, श्रीलंका लीग खेलनी चाहिए थी कि नहीं खेलनी चाहिए थी, उस पर क्वेश्चन मार्क आ सकता है। मगर उसके अलावा मेरा ख्याल है जो हम डिस्कस कर रहे थे पूरे जोर के जोर में हमने डिस्कस किया है कि वहाँ का वेदर इतना ह्यूमिड है कि वहाँ पे आपको इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं स्पेशली फास्ट बॉलर्स को। ठीक है सवेरा पाशा भी, मैं मुशी भाई से सवाल करना चाह रही हूँ। जी जी ओवर टू यू सवेरा जी। मुशी भाई मुझे ये बताएं सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, और जिस तरह साउथ अफ्रीका में हमने देखा नॉर्थ की खबर आ गई दैट ही इज आउट ऑफ द वर्ल्ड कप बिकॉज ऑफ द इंजरी, ऑस्ट्रेलिया में ट्रेविस हेड, कोई शोर नहीं मचा जिस तरह यहाँ नसीम शाह की इंजरी पे शोर मचा, मतलब ऐसा एकदम से लगा कि हमारे पास पीछे कोई प्लेयर ही नहीं खेलने के लिए। हसन अली की भी रिहैब पे नजर डालनी पड़ी कि वेदर वो फिट हो गए हैं फुली, उनको रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, तो हमें तो बैकग्राउंड में पता ही नहीं चला। हमारी पास तो जो बेस्ट थे हम उन तीनों को खिला रहे थे और उसमें से एक इंजर्ड हुआ तो हमारी परेशानी बढ़ गई। आई थिंक सवेरा बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया, हम जोर के जोर में भी ये बात कर रहे थे कि जब आप बेंच स्ट्रेंथ को नहीं तगड़ा करते, जब आप जो बेंच के ऊपर लड़के बैठे हैं उनको मौका नहीं देते वर्ल्ड कप से पहले, अब इंडिया के जितने भी बेंच के ऊपर लड़के बैठे हुए हैं वो 8 या 10 या 15 मैच खेल के वर्ल्ड कप में जाएंगे और हालांकि बेंच पे बैठना है उन्होंने, तो वो एक्सपेरिमेंट करना बहुत जरूरी होता है ताकि आपको अपनी बेंच का पता चले। तो आई थिंक यहाँ पे हमने थोड़ी सी गलती की, हमसे लैक हुए हैं हम कि हमारे जो लड़के थे वो हम सारे मैच जीतने के लिए ना हम चांस नहीं लेते, तो आई थिंक ये भी इसके ऊपर भी मेरा ख्याल कॉन्सेंट्रेशन की जाएगी। एंड एज ए सेट कि अब अल्लाह का शुक्र है कि कमेटी के जो लोग आए हैं जिस तरह हफीज हैं, मिसबा हैं, इंजमाम आए हैं, बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं ये, और आई एम श्योर ये अब आने वाले बच्चों में ये जरूर देखेंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया साबिक टेस्ट क्रिकेटर मुश्ताक अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एंकर पर्सन सवेरा पाशा साहब हमारे साथ मौजूद थी, और अपना एनालिसिस क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी कौमी स्क्वाड के हवाले से समा के नाज़रीन के सामने रख रहे थे। अभी बॉलिंग कोच का ऑप्शन देना अभी टीम वर्ल्ड कप में जारी है, तो मेरे ख्याल में क्योंकि जो सेटअप बना हुआ है कोचेस का कि जो वो उसी के साथ अपने खेल रहे हैं, और जो मेरे ख्याल में मॉर्नी मेरे ख्याल में बॉलिंग कोच है तो मेरे ख्याल में उसको कंटिन्यू करना चाहिए, कोई ऐसा चेंज से जी रख सकते हैं। तो इस चीज़ को भी हम इस नज़र से देखेंगे, पहले भी ये चीज़ें हमने की हैं क्योंकि जिस टाइम मैं पहले चीफ सेलेक्टर था कि जिस जो प्लेयर्स की पाकिस्तान को टीम की ज़रूरत होती थी कि उस टाइम ओपनर्स की ज़रूरत थी या उस टाइम भी स्पिनर्स को हम लैग कर रहे थे कि जी ऑफ स्पिनर नहीं था, तो हम जितने भी लड़के फर्स्ट क्लास में अच्छी परफॉर्मेंस करते थे ऑफ स्पिनर या जिस चीज़ की भी हमें पाकिस्तान टीम में ज़रूरत होती थी हम उनको अपनी अकेडमी में बुलाते थे और अकेडमी में स्पेशलिस्ट कोचेज उनके साथ लगाते थे ताकि वो उनके साथ काम करें अच्छे हों और उनको फिर पाकिस्तान टीम में ना करें। तो अब भी इस तरह देखेंगे इस चीज़ को, अगर ये वहाँ जरूरत हुई पाकिस्तान टीम में बॉलिंग कोच की तो वहाँ भी भेजेंगे स्पिन बॉलिंग कोच को, और अगर इस तरह उस चीज़ की कमी पूरी कर सकते हैं तो उसको इस तरह करने की कोशिश करेंगे। जी के हवाले से बड़ी देना चाहते उस हवाले से क्या आमिर को वापस लाना है या नहीं? अच्छा आमिर को, अच्छा वैसे मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, दूसरा ये कि सारा को पता है कि आमिर बहुत अच्छा क्रिकेटर रहा है और उसने रिटायरमेंट ले ली थी, अगर वो पाकिस्तान से खेलना चाहता है तो ज़रूर है सारों के लिए दरवाजे ओपन हैं, आप अपनी फर्स्ट क्लास आके खेलें वहाँ आप परफॉर्मेंस देंगे आपको ज़रूर कंसीडर किया जाएगा। तो मैंने पहले भी ये कहा है कि जी ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ना ये सिलेक्शन कमेटी या कोई भी किसी के लिए दरवाजे नहीं बंद करता, ये हर एक प्लेयर का अपना डिसीजन है क्योंकि जी अगर जो पाकिस्तान के लिए खेलना चाहता है वो आके फर्स्ट क्लास खेले उसमें परफॉर्मेंस देगा उसको कंसीडर किया जाएगा, उसमें बेशक मोहम्मद आमिर हो या किसी दूसरा भी हो
सो जो भी लोग हैं और जो भी मेरे से लोग दूसरे भी सवाल करते हैं कि जी हमारा क्या है, मैंने कहा कि जी आप फर्स्ट क्लास खेलें, आप परफॉर्मेंस देंगे, आपको कंसीडर करेगी बोर्ड भी, कंसीडर करेगा सिलेक्शन कमेटी भी और ये कोचेज वगैरह भी।